फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं दोबारा आपके लिए एक नया वीडियो लेके। शाम के टाइम कोर्ट से काम ख़त्म करने के बाद हम गए थे चिंसुरा मयूरपंखी घाट के पास द रिवर साइड कैफ़े में। ये बहुत ही नया खुला है, लेकिन इतना सुंदर, इतना अच्छा एम्बियंस था यहाँ पे। काफ़ी दिनों से हमने देखा था और सुना था, तो सोचा चलो घूम के आते हैं। कैफ़े के अंदर ही आपको टू व्हीलर पार्किंग मिल जाएगा, और यहाँ पे बाहर बैठने का और अंदर भी आप बैठ सकते हो। विंटर एप्रोप्रिएट एज वेल एज समर के लिए भी बहुत अच्छा है। विंटर में बिल्कुल गंगा जी के पास ये जो कैफ़े है, और यहाँ का लाइटिंग इतना सुंदर और इतना कलरफुल था, क्या ही बताऊँ। आप लोग देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही रोमांटिक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप आ सकते हो। यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और फुल इन्जॉय कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप समर में आते हो तो इनके अंदर भी सिटिंग अरेंजमेंट किए हुए हैं, जहाँ पे आपको एसी मिल जाएगा। कैफ़े बहुत ही स्पेसियस है, और आप अंदर भी जाके ऑर्डर कर सकते हो, जहाँ पे आपको एसी मिल जाएगा और पूरा कवर्ड एरिया मिलेगा। या फिर आप बाहर बैठ के ही यहाँ पे काउंटर में आपको वो लोग टेबल में आके मेनू दे जाएंगे, ऑर्डर ले जाएंगे, आप ऑर्डर कर सकते हो। बाहर बैठ के आप व्यू इन्जॉय कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप अपना मील भी, स्नैक्स वगैरह भी आप अपना इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, तो वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड है वो म्यूट किया है, क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट ना आए। स्पेशली शाम के टाइम ये कैफ़े बहुत ही सुंदर लग रहा था, और यहाँ पे आप बैठ के बहुत ही अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये लोग बर्थडे के लिए भी या फिर किसी स्पेशल ओकेशन के लिए भी आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो, अरेंज करते हैं ये लोग। आप इनको कांटेक्ट करके 2 दिन पहले अगर आप बता देते हो, तो ये लोग पूरा आपके अकॉर्डिंग डेकोरेट कर देते हैं। उसके बुकिंग चार्जेस जो होंगे वो ये लोग आपको बता देंगे। हुगली चिंसुरा के आसपास ऐसा कोजी और इतना रोमांटिक सा प्लेस नहीं है, ये बहुत ही न्यू ओपन हुआ है। और प्लीज़ फुल डिटेल्स के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें और हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। कैफ़े में 25 दिसंबर को भी क्रिसमस पार्टी अरेंज किया गया था, और 31 को भी यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी है। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, इस वजह से हमें इन्फॉर्मेशन बाद में मिला था, पर फिर भी हम आपको इनका जो न्यू ईयर इवेंट का जो आउटलेट है वो आपको दे देंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए। ये रहा पूरा इनका बाहर का एम्बियंस, और फिर इनका यहाँ से होता है इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट। इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत ही सुंदर इन्होंने हर एक जगह को डेकोरेट किया हुआ है, वेल मेंटेन्ड है। और पूरा जो मिरर से है, आप बाहर का लाइटिंग और पूरा कलर आप देख सकते हो, और अंदर भी आपको बहुत ही कोजी इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको एसी मिल जाता है, और कैफ़े को हर एक जगह इतने सुंदर सजाया गया है। एम्बियंस इसका बहुत ही अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया।
अंदर और बाहर दोनों जगह मिल जाएगा। और अब बात करते हैं फूड क्वालिटी की। हमने ऑर्डर किया था चिकन ड्रम्स ऑफ हेवन जो कि 6 पीस था, और कॉफ़ी ऑर्डर किया था। वाकई में फूड क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही टैंगी फ्लेवर था। और जैसा एम्बियंस है काफ़ी रेस्टोरेंट में होता है, एम्बियंस अच्छा होता है तो फूड अच्छा नहीं होता, फूड अच्छा होता है तो एम्बियंस अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जैसा एम्बियंस इतना सुंदर था, फूड भी बहुत अच्छा था, क्वालिटी हमने बस इतना ही ट्राई किया था क्योंकि हम शाम को गए थे, हमें थोड़ी जल्दी थी, हम वापस आ गए थे उसके बाद। लेकिन डेफिनेटली हम दोबारा जाएंगे और भी काफ़ी जो है वहाँ पे जो आइटम है फूड आइटम वो सब टेस्ट करेंगे। और आप लोग भी यहाँ पे जाना मत भूलिएगा, डेफिनेटली यहाँ पे जाइए। और न्यू ईयर आ रहा है और काफ़ी सारे विंटर में ओकेशंस चलते रहते हैं, तो यहाँ पे जाके आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। हम लोगों ने खाना पीना करने के बाद फिर हम वापस आ गए थे, और यहीं पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, लव यू ऑल। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए।